हाय गाइस, वेलकम बैक टू अपकमिंग शेफ एबनस चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, वो है क्रीमी पोटैटो सूप, जो बहुत टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी भी है। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एक कढ़ाई में बटर डाला है। बटर डालने के बाद उसको अच्छे से मेल्ट किया है। जैसे ही बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, उसके अंदर अभी हम लोग प्याज डालेंगे। उसको अच्छे से सॉटे करने के बाद हम लोग कैरेट, पत्ता गोभी और बीन्स लेकर उसको बॉईल करेंगे, ताकि सूप और हेल्दी बने। जो अभी जो इसका पानी है ना, जो स्टॉक, वो हम लोग उसमें डालेंगे कढ़ाई में, और पोटैटो डालेंगे। आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग वो सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, पर हम लोगों ने सब्ज़ी नहीं डाला था, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसका पानी ही डाला था। अभी आलू डालने के बाद अच्छे से ढककर बंद करो। उबाल आने के बाद आप लोगों को नमक जितना चाहिए उतना आपके स्वाद के हिसाब से डालो, और काली मिर्च का पाउडर भी डालो। उसके बाद आप लोग एक 20-30 मिनट के बाद देख सकते हो अगर आलू अच्छे से मैश हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर मिक्सर है तो मिक्सर में डाल के उसका पेस्ट बनाने का, नहीं तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। तो ये है वो पेस्ट जो बनाया था, उसको वापस से कढ़ाई में डालो, पर तेल नहीं डाला इस बार। अभी थोड़ा दूध डाला है, हाफ कप दूध लिया था, तो अच्छे से उसको मिक्स करो। अगर पानी चाहिए तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हो, हम लोगों ने डाला था थोड़ा पानी। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको ढक के रखने का। ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत रखो, लो फ्लेम पर रखना। देखो ऐसा दिखेगा, क्रीमी क्रीमी। अगर आपको बाद में और नमक चाहिए तो नमक डाल सकते हो। फिर वो सर्व करो। और अभी हमारा क्रीमी पोटैटो सूप खाने के लिए तैयार है। तो अभी शेफ टेस्ट करके बताएगा। सूप बहुत अच्छा बना है, शेफ का मुंह में थोड़ा स्माइल आ रहा था मुंह पर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नए हो तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।